بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. एक बार दुरुस्त पढ़ें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين। हजरत मोहतरम, आज की आई डी में रद्द होगा माला, डॉक्टर माला किर्दिस्तानी का। डॉक्टर माला अली किर्दिस्तानी जो है, जो इलाज कर रहा है अंधे बहरे गूंगों का, ये बहुत ही गलत ढंग से इलाज कर रहा है, जिसकी इस्लाम कतई इजाज़त नहीं देता है। ज़ाहिरी तौर से, वक्ती तौर से अगर कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाए तो उससे मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए एकदम, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे मालिज होते हैं जिनसे बज़ाहिर बसा औक़ात वक्ती तौर से फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन वो ख़िलाफ़ शरा भी होते हैं। तो अगर आपको वक्ती तौर से ऐसा लगता है कि डॉक्टर माल अली किर्दिस्तानी के ज़रिए से बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो इस धोखे में ना आए। क़ुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, बेशक शयातीन अपने दोस्तों के दिलों में बात डालते हैं। ये कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, बेशक शयातीन अपने दोस्तों के दिलों में बात डालते हैं। तो यानी वो शयातीन जो है ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो खिलाफ शरा काम करते हैं और खिलाफ शरीयत काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं शयातीन लोग। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमाता दूसरी आयत में: वमन यअशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिब लहु शैतान, जो रहमान के जिक्र से मुँह मोड़ेगा तो अल्लाह ने फरमाया नुक़य्यिब लहु शैतान, हम उसके ऊपर शैतान को मुसल्लत कर देंगे। एक और आयत में अल्लाह फरमाता है: वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़ंका, जो रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, मन अअरदा अन ज़िक्री, जो अल्लाह फरमाता जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहु मईशतन ज़ंका, तो मैं उसकी ज़िंदगी को तंग कर दूंगा, यानी उसकी लाइफ को टाइट कर देगा अल्लाह तबारक व तआला। आज देखिए लाइफ टाइट हो रही है, ज़िंदगी तंग होती जा रही है। वजह यही कि आदमी 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, नमाज कज़ा करके कमा रहा है, कपड़े की दुकान है या किसी और चीज़ की दुकान है, तो नमाज में जाने को नुकसान समझ रहा है कि अगर हम आधे घंटे नमाज में चले जाएंगे तो हमारे इतने ग्राहक लौट जाएंगे। देखिए नमाज पढ़ने को भी आदमी जाने नमाज पढ़ने जाने में भी नुकसान समझ रहा है, जबकि नमाज पढ़ने में तो कितना फ़ायदा है कि उस नमाज पढ़कर जो भी रोज़ी कमाएगा अल्लाह ताला उस कम रोज़ी में ही बरकत अता फरमाएगा। अगर 10,000-20,000 रुपया भी कमाएगा नमाज पढ़कर तो अल्लाह ताला उसमें लाखों की बरकत अता फरमाएगा। और नमाज कज़ा करके ये सोच के अगर नमाज को नहीं जाएगा कि मैं जाऊँगा जोहर में जाऊँगा, असर में, मगरिब में जाऊँगा, तो मेरा आधा आधा घंटा चले जाएगा, 1.5 घंटे में मेरा इतना नुकसान हो जाएगा दुकान का, तो यकीन यकीन रखिए आप फिर उसके पैसों में हरगिज़ हरगिज़ बरकत नहीं होगी। क्या है वो लाख रुपया कमा ले महीने का, या 10 लाख कमा ले, या 2 लाख कमा ले, कितना ही कमाए। और आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े पैसे कमाने वाले भी परेशान हैं, जो नमाज़ कज़ा करके पैसा कमा रहे हैं, और जो नमाज़ें पढ़कर, पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़कर हलाल रोज़ी खाता है और हलाल रोज़ी कमाता है, अल्लाह ताला उसके कम पैसों में भी बहुत बरकत अता फरमाता है। मिसाल मौजूद है दुनिया में, इमाम हजरत 10,000 कमाते हैं, कोई 15,000 कमाते हैं, वो पांचों टाइम की नमाज़ पढ़कर, यानी पांचों टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद को आबाद करते हैं, फिर मदरस जो दर्स देते हैं मदरसों में, उनकी भी तनख्वाह वही 12,000-15,000-10,000 होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके कम पैसों में भी बरकतें अता फरमाता है। ये मिसाल दुनिया के अंदर मौजूद है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है नमाज़ें कज़ा करके, उसके उसके घर का हाल मालूम कर लो आप, और एक मुदर्रिस का, एक इमाम का घर का हाल मालूम करिए आप, तो वो खुशहाल मिलेगा इमाम, और कोई उसको टेंशन नहीं होगा, कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो वक्ती तौर से टेंशन रहता है, लेकिन ऐसा कोई टेंशन नहीं होगा, अल्लाह उसके कम पैसों में ही बरकत अता फरमाता है। तो याद रखें, ये डॉक्टर माल अली किर्दिस्तानी जो इलाज कर रहा है बिल्कुल खिलाफ शरा
तरीके से इलाज कर रहा है जिसकी इस्लाम कतई इजाज़त नहीं देता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम, हूरें खेमों में पर्दा नशी होंगी जन्नत में भी। हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम, सूरह रहमान में, कि हूरें खेमों में पर्दा नशी होंगी जन्नत के अंदर भी। तो पर्दे का कितना, देखिए पर्दे के बारे में बड़ी ताकीद आई है कुरान करीम में। औरतों के बारे में, औरतों को भी पर्दे करने का हुक्म दिया गया है कि औरतें पर्दे से रहें। अल्लाह फरमाता है, कुल मोमिनात यग़ुद्दना मिन अबसारहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, व कुल मोमिनात यग़ुद्दना, मोमिन औरतों के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है, यग़ुद्दना मिन अबसारहिन्ना, अपनी आँखों को नीचे रखें, झुकाए रखें, व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो मर्दों को भी इसी तरह हुक्म है कि औरतों से दूर रहें। और ये डॉक्टर माल अली किर्दिस्तानी क्या कर रहा है, ये मैंने खुद देखा कि एक लड़की के, जवान लड़की है, उसके मुंह में हाथ घुसेड़ रहा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी कुल ज़म्बिन तूले, उसके मुंह में हाथ डाल रहा है, फिर उसका सर पकड़ रहा है, सर पे हाथ रख रहा है, पीछे से पकड़ रहा है उसको, न जाने क्या क्या हरकतें कर रहा है जवान लड़की के साथ में। और अगर वक्ती तौर से फ़ायदा हो जाए, कोई बहरा अगर मान लो सुनने वाला हो जाए, तो इससे ये ना समझ लो कि साहब ये बहुत बड़ा आलिम है या आमिल है या कामिल है। आमिल है ना कामिल है, कुछ भी नहीं है। बड़े पीर साहब के ज़माने का वाक़ा सुना देता हूँ। हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ज़माने में एक शख्स आया, हज़रत के सामने अर्ज़ किया कि या पीराने पीर, एक शख्स मैंने देखा हवा में उड़ता हुआ आया, उसने नमाज पढ़ी, असर की नमाज का वक्त था, असर की नमाज पढ़ी नदी के किनारे और फिर हवा में उड़कर चला गया। आपने नहीं फरमाया कि बहुत बड़े वो वली हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, कलंदर हैं? फरमाया कि चलो जहाँ उसने नमाज पढ़ी थी वो जगह मुझे दिखाओ। तो नदी के किनारे उसने नमाज पढ़ी थी, रेत के ज़र्रात वहाँ पर मौजूद थे, जैसे आटे के ऊपर आप जो है कि हाथ मारें तो आटे के ऊपर हाथ के निशान मालूम हो जाएंगे, कौन सी उंगली कितने दूर है, ऐसी रेत बारीक रेत है उसके ऊपर आप हाथ लगाएंगे तब भी मालूम हो जाएगा कौन सी उंगली कितने दूर है। हजरत पीराने पीर उस जगह तशरीफ़ ले गए जहाँ उस शख्स ने नमाज़ पढ़ी थी, हवा में उड़ करके आके फिर हवा में उड़ कर चले गए थे। तो देखा उसके सजदों में निशानात को, देखा कि हाथों के निशान इसके कहाँ हैं, किस तरह से इसने सजदा किया है। तो वो हाथों के निशान जब रेत पे आपने मुलाहिदा फरमाया तो उंगलियाँ दूर दूर मालूम हो रही थी सजदे में। आपने फरमाया शख्स बली नहीं हो सकता है, इसलिए कि इसने जो सजदा किया है खिलाफ सुन्नत है, सजदे में उंगलियाँ मिली हुई होना चाहिए, यानी और इसकी उंगलियाँ फैली हुई हैं, दूर दूर फैली हुई मालूम हो रही थी। फरमाया कि ये शख्स बली नहीं हो सकता है, जो सुन्नत के खिलाफ जो आदमी काम करे और फिर उससे कोई ऐसे मामलात नज़र आ जाएँ तो उसको इस्तिदराज कहा गया है। इस्तिदराज है, इरहास है, माउनत है, ये नाम दिए गए हैं। तो अब उसको इस्तिदराज में शुमार किया गया है जो शख्स खिलाफ शरीयत आदमी है, खिलाफ शरा काम करता है, खिलाफ शरीयत आदमी है, शरीयत के खिलाफ काम करने वाला आदमी है और शरीयत के ख़िलाफ़ काम करता है, अमल करता है। अब वो कोई ऐसे करामती टाइप वाक़ात दिखाए या मामलात हो जाए उसके करामती टाइप, तो उसको आप करामत ना समझें, उसको इस्तेदराज में शुमार किया जाता है। और जो बाशरा शख्स ऐसा, उससे ऐसा मामला जाहिर हो तो उसको करामत में शुमार किया जाता है, यानी मुकम्मल बाशरा, नमाजों का पाबंद, हलाल रोज़ी का पाबंद, सुन्नत रसूल पर अमल करने वाला शख्स, सुन्नतों पर अमल करवाने वाला शख्स से कोई अगर ऐसी बात जाहिर हो तो उसको करामत कहा जाता है। हज़रत पीराने पीर ने फरमाया कि शख्स बली नहीं हो सकता है क्योंकि इसने सजदा खिलाफ सुन्नत किया है, उंगलियां फैली हुई हैं सजदे के अंदर। तो देखा आपने, और ये शख्स तो जवान लड़की के मुंह में हाथ डाल रहा है, ये डॉक्टर माल अली किर्दिस्तानी। अब ये भी होता है, बहुत से लोग फिक्स कर लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, किस किस जगह जाना है, ये प्री प्लानिंग होता है, बहुत बड़ी प्लानिंग होती है कि कोई बहरा बन के आ जाएगा, कोई गूंगा बन के आ जाएगा, कोई अंधा बन के आ जाएगा, इस तरह के प्लानिंग भी होते हैं, ऐसे प्लानिंग पकड़े गए हैं बहुत सारी जगह। तो आप इसको धोखा समझें, और अगर वक्ती तौर से कोई फ़ायदा हो जाए तो आप उसको ये ना समझें कि बहुत बड़ा वली, ये आलिम है, आमिल है, कामिल है, कुछ नहीं है। ये इस्लाम को बदनाम करने वाला शख्स है। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता कि जवान लड़की के मुंह में हाथ डालें या उसके सर पे हाथ रखें, उसके पीछे से उसको पकड़ें। बताइए आप, ये डॉक्टर माल अली के रेगिस्तान इस तरह कर रहा है, उसके पीछे भीड़ लग रही है। तो भीड़ तो आज के ज़माने में लगी जाती है, आम बात है, अगर किसी ने कुछ दिखाया उसके पीछे भीड़ लगना शुरू हो जाती है। आजकल लोग ज़रा सी देर में जमा होने लग जाते हैं। कुरान करीम अल्लाह फरमाता है, नमाज कायम करो, वाकिम सलात आतु ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। आज लोग ज़कात नहीं देते हैं, नमाज पढ़ते हैं ज़कात नहीं देते हैं, 2.5% ज़कात है, लाख में 2,500 रुपया, लेकिन लोग बहुत से नमाज पढ़ने वाले ज़कात नहीं देते हैं।
अजीब मामला है, कोई नमाज पढ़ता है ज़कात नहीं देता, कोई ज़कात देता है तो नमाज नहीं पढ़ता है। देखिए नमाज कायम करने के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। 700 जगह नमाज के बारे में हुक्म आया कुरान करीम में, और 32 जगह नमाज और ज़कात का दोनों का एक साथ हुक्म आया, वाकिमुस्सलात वातुज़्ज़कात, नमाज कायम करो ज़कात अदा करो, 32 जगह है। तो देखिए नमाज का और ज़कात का हुक्म बराबर से आया है, 700 जगह ज़कात का हुक्म आया कुरान करीम में, 700 जगह नमाज का हुक्म आया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें 5 टाइम की, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, वमन ये तवक्कल अल्लाह व हसबुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं है? ये कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, हमने कुरान नाजिल किया इसमें शिफा ही शिफा है और मोमिनों के लिए रहमत है। एक बहुत बड़े आलिम साहब जब इमाम काबा से मिले, या मस्जिद हरम के इमाम, या मस्जिद नबवी के इमाम से मिले, और उन्होंने कुरान की एक आयत बताई कि साहब इस आयत में शिफा है, कहा कि इस आयत ये आयत पढ़ लिया करें, कोई बीमारी का मामला उन्होंने बताया था, कहा ये आयत पढ़ लिया करें इसमें शिफा है, कहा कि क्या फरमाना है, कहा इस आयत में शिफा है। उन्होंने इमाम हरम ने कहा या मस्जिद नबवी के इमाम ने कहा कि कुरान पूरा का पूरा शिफा है, कुरान करीम पूरा का पूरा शिफा है, तो उन्होंने एक आयत बताई होगी एक या दो, उन्होंने कहा नहीं नहीं पूरा कुरान शिफा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल मुमिनीन, हमने कुरान नाजिल किया इसमें शिफा ही शिफा है और मोमिनों के लिए रहमत है। देखिए कितनी बारीक नज़र रखते हैं वो लोग, कितनी गहरी नज़र रखते हैं अरब के इमाम लोग, मस्जिद नबवी के इमाम लोग। बहुत बड़े आलिम ने ये बात उनको जब बताई, जब ये बात बताई कि कुरान करीम की इस आयत को पढ़ लिया करें, इन आयत को पढ़ लिया करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं पूरा कुरान करीम शिफा है। जब ये बात उन्होंने बताना चाहिए कि साहब इस बीमारी में आप ये आयत पढ़ लिया करें, तो उन्होंने कहा नहीं पूरा पूरा कुरान करीम ही में शिफा है, एक दो आयत नहीं पूरा कुरान करीम ही शिफा है। तो कुरान करीम में खुद अल्लाह फरमाता वनुनज़्ज़िलु मा व शिफाउ व रहमतुलमिन, हमने कुरान नाजिल किया इसमें शिफा है, व रहमतुलमिन, और मोमिनों के लिए रहमत ही रहमत है। इसलिए आप सबसे पहले कुरान करीम पढ़ें, तफसीर पढ़ें, हदीस पाक पढ़ें, सहाबा किराम की ज़िंदगी के वाक़यात पढ़ें। आप कैसे एकदम किसी पर भरोसा कर लेते हैं कि साहब डॉक्टर हमारा अली किरदिस्तानी इतने बीमार, इतने वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, नाबीनाओं को बीनाई दे रहे हैं, और या बीना बीना कर रहे हैं, या जो है कि फिर साथ में वो यही कह रहे हैं कि सब अल्लाह ही करने वाला है। तो बेशक अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ही हर चीज़ पर क़ादिर है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई ज़र्रा नहीं हिलता, कोई पत्ता नहीं हिलता है। वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरा, जिसने एक ज़र्रा अच्छा किया हुआ क़यामत में देखेगा, अल्लाह फरमाता है, वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शरीरा, जिसने एक ज़र्रे के बराबर बुरा काम किया हुआ वो भी क़यामत में देखेगा। तो देखिए नमाज कदा करना, जिसने एक नमाज कदा कर दी उसके बारे में हुक्म है, अल्लाह के सुल फरमाते हैं, जिसने जानबूझ के एक नमाज कदा कर दी छोड़ दी, तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत में सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, सबसे पहले 5 टाइम नमाज पढ़ें, किसी बाबा पीर के पास जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, हलाल रोज़ी खाएँ, नमाज पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह फरमाता है उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, अल्लाह ताला फरियाद रसी फरमाने वाला है। अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो उदउनी अस्तजिब लकुम, तो अल्लाह ताला तुम्हारी फरियाद को सुनेगा और तुम्हारी मदद फरमाएगा। कुरान करीम अल्लाह फरमाता है वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हसबुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। हम सूरह फातिहा में हर रोज़ पढ़ते हैं, जो हजरात नमाज पढ़ते हैं हर रकात में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। तो औलिया किराम के मदारात पर जाएँ तो वहाँ भी अल्लाह ही से मदद मांगे, और औलिया किराम के नेक आमाल का वसीला देकर, यानी औलिया किराम के नेक आमाल का वसीला दे सकते हैं कि हज़रत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मदार शरीफ पर जाएँ, या हज़रत बुअलीशाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मदार पर जाएँ, तो वहाँ उनके नेक आमाल का वसीला देकर जो है कि अल्लाह से दुआ करें। आखिर में ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ल में कहें कि या अल्लाह पाक
हज़रत शेख अबू अली शाह कलंदर के नेक आमाल के वास्ते, या हज़रत शेख मुजीब चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के नेक आमाल के वास्ते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में मैं इस दुआ को कबूल फरमा। और दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, पहले भी और बाद में भी। बग़ैर दुरूद शरीफ पढ़े दुआ कबूल नहीं होती है। सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें, पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी करें, और फ़िरक़ेबाज़ी से भी दूर रहें। आजकल के ज़माने में फ़िरक़ेबाज़ी का भी बहुत दौर चल रहा है। लोग अपनी अपनी तंजीमें तहरीकें बनाकर अपना पल्लड़ा भारी करना चाहते हैं। मस्जिदों में जाकर देखो तो लोगों ने अपने अपने फ़िरक़ों की किताबें रख दी हैं। कुरान करीम की न तफसीर होती है न तर्जुमा होता है आमतौर से। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हर मस्जिद में कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर शुरू करें। जो बड़ी मस्जिद है वहाँ तफसीर शुरू करें, और रोज़ाना कम से कम कुरान करीम की कुरान करीम का एक रुकू तिलावत करके उसका तर्जुमा तो सुना ही लें। आखिरी हज में ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा किराम जमा थे, ये नहीं फरमाया हुज़ूर ने कि सिद्दीक अकबर को छोड़ के जा रहा हूँ, फारूक आजम को छोड़ के जा रहा हूँ, उनको मजबूत थाम लेना। फरमाया आखिरी हज में कि दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ा हूँ, एक कुरान दूसरे मेरी सुन्नत। एक मौके फरमाया एक कुरान दूसरे मेरी इतरत यानी अहले बैत। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना हो गए। तो इसमें एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात और बात बता रहा हूँ। ये आखिरी हज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई कि दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ा हूँ, एक कुरान दूसरे मेरी सुन्नत। एक मौके फरमाया कुरान दूसरे मेरी इतरत यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम। अहले बैत में इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अली करमला अजुल करीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयद फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, ये मशहूर है, तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा और हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, पंजतन पाक कहा जाता है। ली खमसतन ओ तौसी बिया हर्रल वबाइल हातिमा अलमुस्तफ़ा वलमुर्तवा वाबनाहुमा वलफातिमा, तो पंजतन पाक कहा जाता है। तो याद रखें आप अहले बैत के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक कुरान दूसरे मेरी सुन्नत। एक मौके फरमाया कुरान दूसरे मेरी इतरत यानी अहले बैत, इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना हो गए। तो एक बात और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि तफसीर आप पढ़ें तो आज के ज़माने में अगर बरेलवी आलिमों की पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे बरेलवी आलिम की, देवबंदी आलिमों की पढ़ेंगे लोग कहेंगे देवबंदी आलिम की, मौदूदी आलिमों की पढ़ेंगे लोग कहेंगे मौदूदी आलिम की, अहले हदीस के आलिमों की पढ़ेंगे लोग कहेंगे अहले हदीस के आलिमों की। ये सब हजरात ने तफसीरें लिखी हैं, मौदूदियों ने भी, अहले हदीस के लोगों ने भी, उलमाए बरेली ने भी, उलमाए देवबंद ने भी। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि उन तफसीर को सुनाया जाए, उन तफासिर को सुनाया जाए जो तफसीरें इन फ़िरक़ों के उलमा ने ना लिखी हों, ताकि किसी का अख्तिलाफ़ ना हो। फिर उसमें देवबंदी भी सुन सके, बरेली भी सुन सके, अहले हदीस भी सुन सके, मौदूदी भी सुन सके। जैसे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर फरमाई, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह तफसीर फरमाई, और जो पुराने उलमा हैं ये 100 साल पहले के उलमा हैं, उन्होंने जो तफसीरें बयान फरमाई उस ज़माने में फ़िरक़ों का वजूद नहीं था। देवबंद बरेली वाले अहले हदीस मौजूद ये सब वजूद नहीं था। अहले हदीस सिर्फ चंद हदीसें मानते हैं, वो वही हदीसें मानते हैं जो उनके मतलब के मुताबिक हों, और चंद हदीसें बयान करेंगे ज़्यादातर जो उनके मतलब के मुताबिक हों बहुत ज़ोर दे देकर। और जिन अहादीस पाक में अल्लाह के रसूल की अज़मत का जिक्र है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का जिक्र है, शफात रसूल का जिक्र है, उन हदीसों को ये अहले हदीस अपनी ज़बान पर नहीं लाते जल्दी से। कहते ज़रूर हैं कि हमें हर हदीस को मानते हैं, हमें अहले हदीस हैं, लेकिन वही हदीसें मानते हैं जो इनके मतलब के मुताबिक हों। अहले हदीस कहते हैं गली नवाज क्यों कहते हो साहब, गली नवाज तो अल्लाह है। अब अहले हदीस से कहा जाए तुम अपने मौलवी को मौलाना क्यों कहते हो, कुरान करीम में सूरह बकरा में आया है, अल्लाह फरमाता अंत मौलाना फंसुन अल कौमिल काफ़िन, या अल्लाह तू ही हमारा मौला है, मददगार है, हमारी मदद फरमा अल कौमिल काफ़िन, कौम काफिरीन पर। तो ये तो कुरान करीम के सूरह बकरा में आखिर में अल्लाह के लिए आया, अंत मौलाना या अल्लाह तू हमारा मौला है, हमारा मददगार है, तुम क्यों अपने मौलवी को मौलाना कहते हो। तुम यही तो कहोगे साहब हम रहबरी के हिसाब से मौलाना कहते हैं, बस तो हम भी गरीब नवाज को गरीब नवाज इसलिए कहते हैं कि वो गरीबों से मोहब्बत फरमाते थे, गरीबों की हमदर्दी फरमाते थे, इसलिए उनका लकब हुआ गरीब नवाज। हज़रत शेख मुजीब चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम है लेकिन लकब उनका गरीब नवाज है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये अहले हदीस बात बात में इतराज़ करते हैं, ये अहले हदीस अगर ये मानते हैं साहब औलिया कराम का कोई जो है कि रुतबा नहीं होता, कोई उनका तसरुफ का मामला नहीं है, तो फिर ये अहले हदीस हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाइल, हज़रत इसराफ़ील, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को क्या मानते हैं। बेशक अल्लाह ही के हुक्म से हर चीज़ हर काम अल्लाह ही के हुक्म से होता है, इन्ना अल्लाह को शेख कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह के हुक्म के पत्ता नहीं हिलता, ज़र्रा नहीं हिलता। फिर अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाइल इस्लाम को क्यों पैदा फरमाया, पानी अल्लाह बरसाता है, फिर मिकाइल इस्लाम क्या करते हैं,
जो है कि मौत अल्लाह ही के हुक्म से आती है। फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, फिर अल्लाह ताला ने इस्लाम को मिका इस्लाम को क्यों पैदा फरमाया, ये अहले हदीस जवाब दे बात का। अहले हदीस इन चार फरिश्तों को क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं और इनके बारे में क्या वो ख्याल रखते हैं। अहले हदीस तो मानते हैं औलिया किराम का कोई मामला ही नहीं है, ये तो अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के मौजूदात को ही बयान नहीं करते अहले हदीस के लोग। मैं कह रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ कि मैंने खुद इनकी तकरीरें सुनी है। करामत तो करामत नबियों के मौजूदात को ही बयान नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने मौजूदात का जिक्र अहादीस पाक में, हज़ारों मौजूदात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, अहादीस पाक में जिक्र हैं, लेकिन ये मौजूदात रसूल को भी बयान नहीं करते अहले हदीस। और मिर्ज़ा इंजीनियर, ये अहले हदीस के लोग मौजूदात रसूल को भी बयान नहीं करते, ख़ास बात याद रखना। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमा। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।